बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स व्यूवर्स आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो है माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टू जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है वो हम आज डिस्कस करेंगे। वो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है वो प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स। हम आज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, उसमें जो डिफरेंशिएशन है इस दोनों में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और फिर जो है बैक्टीरिया स्ट्रक्चर और जो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज़ है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आते हैं प्रोकैरियोट्स की तरफ और यूकैरियोट्स की तरफ, के प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मेन डिफरेंस क्या है। तो प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? प्रोकैरियोट में टू वर्ड्स है, एक है प्रो और एक है कैरियन। तो प्रो का मतलब है बिफोर, और जो कैरियन है इसका मतलब है न्यूक्लियस, या इसको हम प्रो का मतलब हम पल्स भी यहाँ पर कह सकते हैं, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर यूकैरियोट्स है, तो यू का मतलब क्या है? ट्रू, और जो तो यहाँ पर यू का मतलब क्या है? ट्रू, और जो कैरियन है ऑलरेडी उसका मतलब है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर हम क्यों कहते हैं उसको, और यहाँ पर हम इसको फॉल्स या बिफोर न्यूक्लियस क्यों, इसको जो है ये वर्ड हम ये टर्मिनोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस जो है, यानी प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें जो दूसरा डिफरेंशिएशन है वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट में होता है वो एब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोट्स है उसमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है। राइबोसोम की तरफ आते हैं, तो राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट में स्मॉलर होता है, जो 70S होता है, और जो यूकैरियोट में होता है वो 80S होता है, यानी 80 स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम जो है वो प्रोकैरियोट में सिंगल होता है, स्मॉल होता है और सर्कुलर होता है। ठीक है, और जो यूकैरियोट्स है उसमें क्रोमोसोम मल्टीपल्स और लार्ज होते हैं, यानी एक से ज़्यादा होते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें प्रोकैरियोट में, तो डीएनए जो है प्रोकैरियोट में वो उसमें नॉट रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स, यानी इसमें जो प्रोकैरियोट में जो प्रोटीन्स होते हैं डीएनए में वो रैप नहीं होते। ठीक है, और जो यूकैरियोट है उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स, जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन्स। ठीक है, फ्लैजेला की बात करते हैं, तो फ्लैजेला जो है इसमें माइक्रो लेवल में होता है प्रोकैरियोट में, और जो यूकैरियोट है इसमें सब माइक्रो लेवल में जो फ्लैजेला होता है वो मौजूद होता है। सेल साइज़ की बात करते हैं, प्रोकैरियोट का जो सेल साइज़ है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है, और यूकैरियोट में जो सेल साइज़ होता है वो 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर हम वेसिकल की बात करें, तो वेसिकल जो है प्रोकैरियोट में वो प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर जो है ये इस दोनों में मौजूद होते हैं, ये यूकैरियोट में भी वेसिकल मौजूद होते हैं और प्रोकैरियोट में भी मौजूद होते हैं। जो लास्ट वन है वो क्या है? सेल वॉल है। तो सेल वॉल यहाँ पर कम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोट में, क्योंकि वहाँ पर जो है मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, लिपिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो कम्प्लेक्स होते हैं, और यहाँ पर जो है ये सिंपल होता है, यानी फंजाई और प्लांट्स में जो है, तो यहाँ पर ये जो यूकैरियोट्स है इसमें ये जो सेल वॉल होता है वो सिंपल होता है, और जो प्रोकैरियोट्स है उसमें ये कम्प्लेक्स होता है। तो ये था जस्ट अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का जो डिफरेंशिएशन है उसमें, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जितनी भी बैक्टीरिया है उसका क्लासिफिकेशन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।